नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ विंटर सीजन की उपयोगी अदरक की बर्फी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बर्फी सर्दी, जुकाम, खांसी, गले की तकलीफ सभी में बहुत आरामदायक होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए जल्दी से इस उपयोगी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अदरक की बर्फी बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम अदरक लिया है। इसे अच्छे से धो लिया ताकि इसकी मिट्टी हट जाए और उसे सुखा लिया है। अब मैं इसके चाकू की सहायता से पूरे छिलके हटा दूंगी। स्क्रैच करेंगे तो पूरे छिलके हट जाएंगे और छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लेती हूँ। अदरक को छीलकर मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 150 ग्राम अदरक था, मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है और उसे भी मैंने चाकू से छोटा बारीक बारीक काट के रखा है। आप गुड़ के बदले शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिक्सी के जार में हम अदरक डालकर पीस लेंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अदरक को हमने मिक्सी में डाल के पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत महीन नहीं पिसा है, अभी ये बहुत ज़्यादा दरदरा दरदरा है। अब हम क्या करेंगे कि इसी में गुड़ डाल देंगे। जो हमने गुड़ लिया है काट के, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर आएगा उसके साथ अदरक भी बहुत अच्छे से और भी बारीक पिस जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ के साथ अदरक का कितना बढ़िया हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, एकदम बिल्कुल एक सरी का, बहुत बढ़िया। अब हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब इसे हम गैस पर रखते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने अभी मीडियम पे रखा है। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया हमारी एक रेमेडी बन रही है, सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद। तो इसके लिए हम इसमें 1/3 चम्मच काली मिर्च भी डाल देते हैं ताकि गले में बहुत आराम मिलेगा। और 2 पिंच में इसमें सेंधा नमक भी डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आँच पर इसे हम अच्छे से पकाएंगे। अदरक की बर्फी है, खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है, बिल्कुल टॉफी जैसी, और सर्दी, जुकाम, खांसी, पाचन सब में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो हम जिस तरह से खाना खाने के बाद में थोड़ा सा कुछ सौंफ या पान या सुपारी खाने की जो कोशिश करते हैं, तो उसके बदले हम इस छोटी सी एक टॉफी को खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छी है और अभी सर्दी के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और हमने इसमें शक्कर के बदले गुड़ डाला है क्योंकि गुड़ खाना भी बहुत अच्छा रहता है, सर्दी में फायदेमंद है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बनने वाली है, दवाई भी है और स्वाद में भी बहुत बढ़िया। इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल जमने लायक गाढ़ा सा इसका घोल तैयार ना हो जाए, लगातार हम चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर ही रखेंगे। दस मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा मिश्रण बहुत कुछ गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी इससे बर्फी जमने में नहीं होगा, नहीं जम पाएगी बर्फी क्योंकि अभी ये उसके हिसाब से नहीं है। तो हम थोड़ी सी देरी से इसी तरह से हिलाते हुए और चलाते जाएंगे ताकि मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो बर्फी अच्छे से सेट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मैंने एक स्टील की प्लेट में ही घी लगा के तैयार कर लिया है जिसमें कि मैं बर्फी सेट करने वाली हूँ। आप किसी भी बर्तन में इसे सेट कर सकते हैं। तो घी लगा के उसको भी हम तैयार करके रख लेते हैं। तो 2-3 मिनट हम इसे और अभी धीमी आंच पर ही अच्छे से और कुक कर लेते हैं ताकि मिश्रण गाढ़ा होगा, फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दो तीन मिनट हमने इसे और अच्छे से कुक कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आटे की तरह हो गया है और कढ़ाई छोड़ने लगा है हमारा ये मिश्रण बर्फी का, और देख के लग भी रहा है कि अब इसकी बर्फी आराम से सेट हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इस मिश्रण को प्लेट में निकाल कर बर्फी सेट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं।
मैंने मिश्रण को प्लेट पे निकाल लिया है। अब एक दो बार हम इसे अच्छे से टेप कर देते हैं ताकि ये इक्वल बन जाए इस तरह से। ये हमारी अदरक की बर्फी का बैटर बिल्कुल तैयार है। ये थोड़ा सा सेट होती है, फिर हम इसे छोटे छोटे साइज में कट कर लेंगे। अदरक की बर्फी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और उसे मैंने इस तरह से बाउल में निकाल के रख लिया। आप देख सकते हैं आगे से भी और पीछे से भी बहुत ही बढ़िया हमारी बर्फी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसे हमें गर्म में ही काटना पड़ता है, ठंडा होने पे इसे काटना मुश्किल होता है और साइज भी छोटा ही काटा है ताकि बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके। अदरक की बर्फी चटपटी, तीखी, टेस्टी, बिल्कुल टॉफी की तरह ही लगती है। सर्दी, जुकाम, खांसी सभी में फायदेमंद भी है, तो हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर 3-4 महीने तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप भी इस फायदेमंद अदरक की बर्फी को एक बार जरूर बनाइए और रेसिपी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही उपयोगी और आसान सी रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।